कात्यायनी का मां, कात्यायनी
से सोलह जान सोलह तिथि भावे संवत सोलह प्रगट लेने ने की रे ओम जय ओम जय ओम मां जगदम्बे क्षमा करो गौरी ओम जय ओम जय ओम मां जगदम्बे शिव शक्ति की आरती जो मन से गाए जो मन से गाए कहे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे वो कैलाश जाए मां अम्बा दुख हरती बांझ मंदिर में कैसे आ गई? मंदिर में ही अब शगुन? बांझ घोर कलयुग है। आ गई कलमुही। अरे बांझ बाहर निकल। मंदिर वाले को इसे रोकना चाहिए। माँ का द्वार तो सबके लिए खुला है, सभी माँ की संतान हैं। माँ की बात करने से पहले अरे कुछ तो सोचो। ये मंदिर बनाने वाला जसराज भी बेऔलाद था, उसके घर में भी अंधेरा था। माँ अम्बा का मंदिर उसने बनवाया और माँ की कृपा से उसके घर में कुलदीपक जन्मा। अरे वो तो माता का भक्त था पुजारी जी, और इसका पति सोम, अरे वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर पुजारी जी, पत्थर है, बिल्कुल पत्थर, एकदम नास्तिक। जय अम्बे, जगदम्बा की लीला कौन जान सकता है। अरे वाह, पूजा कर ले। अरे ऐसे हिम्मत मत हार, जा। आज भी सोमा भाई नहीं आए? महाराज वे तो जानता हूँ बहन कि सोमा भाई नास्तिक है, परंतु अपनी सेवा और भक्ति से उस नास्तिक में भी तू आस्था जगा सकती है। पारस का हाथ लगने से पत्थर भी कंचन बन जाता है, और एक दिन तू इस माँ के मंदिर में पूजा करने सोमा भाई के साथ आएगी। माँ तो दयालु है, हजार हाथ वाली है, जगत जननी है। और बहन, दुख बिना सुख नहीं है, और उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आओ बहन, हाँ चल पूजा कर लो। ए सोमा, ये प्रसाद ले और ये कुंकू भी। किसका है? ले ले, मैंने मन्नत मांगी है कि तेरी दूसरी शादी होगी ना तो मैं 5 उपवास रखूंगा,
तू ये प्रसाद ले ले और कुंकू भी ले ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। भीखा, आजकल तेरी बातों से बोर हो जाता हूँ मैं। क्या तू भी नास्तिकों जैसी बातें करता है? अरे भाई, तू प्रसाद खा ले तो तेरे घर में झूला बंधेगा। अरे रेवा ने माता जी की भक्ति के लिए क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं झेला, ये सब अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं है। फेंक दे प्रसाद, फेंक दे, तू सब भी अंधविश्वासी हो। अरे भीखा, अपनी पत्नी को छोड़कर एक बच्चे के लिए दूसरी शादी करूं? अरे लानत है तुझ पर, लानत है। अरे लानत तो तुझ पर है कि शादी को 10 साल हो गए और अभी तक तेरे घर में झूला नहीं बंधा। तो तेरे कहने से एक के होते हुए घर में दूसरी ले आऊं? अरे तूने कहावत तो सुनी होगी ना कि एक से भले दो। अरे मैं तो कहता हूँ तू दूसरी बार घोड़ी पर चढ़ जा। मैं तो इतना समझता हूँ कि भगवान बहरा है। अरे बहरा नहीं बल्कि है ही नहीं। ये तो वही बात हुई कि अपने कुएं में ही पानी नहीं है तो। भीखा, ये क्या? अरे जहाँ दिखाना है वहाँ जोर दिखाना। मर्द तो वो कहलाता है जिसके घर में संतान होती है। ये तो वही बात हुई कि मिट्टी का घड़ा वो भी बिना पानी का। अरे माँ, क्या भगवान खुद भी आ जाए ना तो भी नहीं छोड़ू। भगवान करे तेरे बेटे की उम्र 100 साल की हो, घर में बरकत हो और लक्ष्मी का घर में वास हो। पर बेटी, माँ ऐसे उदास क्यों हो गई? हमारा फूटा नसीब कि हमारा सपना अधूरा रह गया। ये बच्चा अपनी नानी के घर पैदा नहीं हुआ, ये तो ठीक, पर तेरे ससुराल वालों को जिंदगी भर एक मौका मिल गया। माँ ये बच्चा आ गया, उस खुशी में सब कुछ भूल गए। अरे कौन बहना आई है? अरे हमारा भांजा भी आया है। अरे कितना सुंदर है। अरे ये तो रो रहा है, अभी एक मिनट, ये लो। ले, उठा ले। भाई तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं, इतना प्यार देख के दिल भर आता है। माँ मैं चलती हूँ। अरे बैठ तो सही, अभी तेरी भाभी आ जाएगी इस दूज के चांद को देखने के लिए। हाँ। अरे मामा का घर कहाँ, दिया जले वहाँ। मामा का घर कहाँ, दिया जलता है वहाँ। तेरी शादी को 10 साल हो गए पर कुछ नहीं हो सकता। जादू तो ना किया, साधु संतों के पास गए पर कुछ नहीं हुआ। सब ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, उस बांस का साया ना पड़े, इसलिए तो तेरी जचकी यहाँ नहीं करवाई। लाला मेरे पोते को ला, नजर उतार दूं। ला देखो मेरे बच्चा कैसे सूख गया है, उस कलमुई का नाम क्या लिया, सूख के आधा हो गया मेरा बच्चा। माँ आप रेवा को मत कोसो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और रेवा से शादी कर ली, इसीलिए आप ऐसा कह रही हो ना, ऐसा मत कहो माँ। अरे वो सब बातें छोड़, ये सब तो मैं अपने इस बच्चे के मुंह में बोल रही हूँ, और मूलधन से ब्याज किसे प्यारा नहीं होता। ले बेटा संभल के जाना, हाँ नहीं तो उस बाज ने देख लिया ना तो छड़े को नजर लग जाएगी। जा अब जा, अपना तो कर्म ही फूटा है, इस बाज के साथ रहना पड़ रहा है। अभी भी दूसरी शादी कर लो ना तो सब अच्छा होगा। एक बार जो चोर कहला गया, हर बार वो चोर ही कहलाता है। अगर हवलदार चोरी करे तो वो हवलदार ही कहलाएगा। अगर दूसरी शादी से भी बच्चा ना हो तो तुम उसे भी कोसोगी। अरे लड़के के कसूर को कोई नहीं देखता, सही कह रहा हूं ना? अरे रेवा, रेवा रो रही हो, मत रो, ऐसे मोती जैसे आंसू खराब मत करो। और देखो मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की ना, और करूंगा भी नहीं। पर ये सब नहीं सहा जाता, बिल्कुल नहीं सहा जाता। तुम्हारी माँ और बहन ये सोचती हैं कि इसका उपाय। नहीं सुनना मुझे उपाय, अब चल खाने का समय हो गया। अरे रख देना इस काने को, खाने की काहे की चिंता। क्यों? अरे तुझे देखता हूँ तो दिल में भूचाल आने लगता है, फिर पेट की चिंता किसे होगी। अरे वो सब छोड़, दिन भर मेहनत करता है, चल अब दो रोटी खा ले। किसे, तुझे? अरे चल 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 मेरे बैलों की जोड़ी। अरे क्या बात है, क्या जोड़ी है तुम्हारी। अरे चल चल मेरी जान, चल 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 चल
चल खींच ले लगा जोर। अरे मेरे बैलों की जोड़ी, तेरे टक्कर के कोई बैल ही नहीं है पूरी दुनिया में, चल खींच। अरे ओ मीका काका, ये आपकी रोज वाली मालगाड़ी आ गई, लाल सिग्नल दिखाओ, देखो खाना लेकर आई है। आह कान्हा, मैं तो ठहरा शिव का पुजारी। अरे वो तो कान्हा की बांसुरी थी जिसके पीछे राधा पागल हो गई थी, वैसे मैं तेरे पीछे पागल हो गया हूँ। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः 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 छोकरी को जनने वाली ने छोकरा ना जन्मा रे लो, छः छः छोकरी को जनने वाली ने छोकरा ना जन्मा रे लो। अरे रे मेरी रोटियां बनाने वाली ने पराठा ना बेला रे लो, छे छे छोकरी को जनने वाली ने छोकरा ना जन्मा रे लो। ज्योतिषी ने ऐसा बोला कि तेरे नसीब में छोरा नहीं, बोल मेरे भाई। अरे भाई नहीं, घर वाला बोल, घर वाला। जानकार ज्योतिषी ने ऐसा बोला कि तेरे नसीब में छोरा नहीं। तो फिर छे छे डब्बे किए रेलगाड़ी कैसे आंगन में टक 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 अटक गई। तो फिर छे छे डब्बे किए रेलगाड़ी कैसे आंगन में अटक गई। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन ये भिखारा, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन ये भिखारा, भिखाराम भिखाराम भज मन रे तू भिखाराम, भिखाराम भिखाराम तेरे नसीब में कहाँ से ये भिखाराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन ये भिखाराम। भजन में तो भूली पड़ी रे भाई, आज जो ना होने की थी वो हुई। भजन में तो भूली पड़ी रे भाई, आज जो ना होने की थी वो हुई। अरे रे भली भिखाराम को जोरू ये चुटकी ना भरी रे लोग, बोल सियावर रामचंद्र की जय, ना बोले तो रे एक मुँह पे ले। मेरे रे आंगने बाबा दुनाओ रे, मेरे रे आंगने बाबा दुनाओ रे। ये घुनने की बात है खोटी, यूं ही रातों के जागरे।
हीरा मिले और अकर्मी को पत्थर, तेरे नसीब के पहिए में पड़े 1500 छेद। नसीब माँ छेद भराओ मेरे भाई, दूसरी बीवी ले आओ जट भाई। नसीब में छेद भराओ, छेद भराओ, छेद भराओ भाई। नसीब में छेद भराओ मेरे भाई, दूसरी बीवी ले आओ जट। ले आओ ले आओ ले आओ। के भी का तूने उल्टा एक है घोटा। 4, 5, 3, 2, 1, 61, 62, 63, 64। के भी का तूने उल्टा एक है घोटा। के 12 अक्षर ना पढ़ा रे लोग। भिखा भाई, भिखा भाई, आपको क्या हुआ भिखा भाई? कौन, किसने पकड़ा मेरा हाथ? कौन, कौन डाली? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सपना है कि सच है? अब तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा नहीं। अरे अपने यहाँ कहते हैं ना कि एक बार हाथ पकड़ा तो फिर कभी नहीं छोड़ा। छोड़, मोटी मिले, उंगली पकड़ाई तो गले पड़ने लगा, चल उठ, नहीं तो दूसरे हाथ की दूंगी ना तो लकवा मार जाएगा। हाँ कहाँ गई, कहाँ गई? ओ माँ, ओ माँ, डॉली तू कहाँ जाएगी? पहले तेरे साथ चंद्री में 7 फेरे फेर कर तुझे घर में नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी भीखा मारवाड़ी नहीं, मेरी माँ गोमती। तेरी और मेरी शादी ना करा दे तो कहना। जय अम्बे, अपनी माँ से जाके कहूंगा, माँ, 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 ए माँ, सपने में मुझे माता जी ने आके कहा कि भीखा तेरे घर में बेटा होगा। सच? माताजी ने और क्या क्या कहा बेटा? माँ, मुझसे कहा कि डॉली के साथ शादी करेगा ना तब तेरे बेटा होगा, और कहा कि अपनी माँ से कहना कि शगुन का सामान और श्रीफल लेकर उसके घर जाए और शादी का रिश्ता पक्का करे, तभी तेरे घर बेटा होगा। अरे कलमुए, तुझे सपने भी सच नहीं आते। इस घर में 6-6 लड़कियाँ हैं, बेचारी बहू घर में बैठी है, तो भी तुझे दूसरी शादी करनी है? हाँ माँ, तो उससे क्या हुआ, इच्छा तो हो सकती है ना माँ। डूब मत डूब, 6 लड़कियों का बाप हो गया तो भी तुझे संतोष नहीं है? हाँ माँ, मेरे बाप ने 4 शादी की थी कि नहीं, बोलो की थी ना? हाँ, तो सोचो अगर मेरे बाबूजी 5वीं शादी नहीं करते तो। ए माँ, मैंने तुम्हारी लाज रखी ना, तो तू मेरी लाज नहीं रखेगी क्या? बेटा ही पैदा करने की क्या जरूरत है? तू जरूरत की बात करती है, डोली लेके जाएगा भीखा। देख माँ, घर में 6 लड़कियाँ है ना, एक लड़का भी चाहिए ना, तो लड़का ही हो जाएगा, इसीलिए तो सपना आया है। ए भीखा, तुझे सच्ची में सपना आया था ना, तो ठीक है, पर पहले मैं भक्त से पूछूंगी। किससे? माँ के भक्त से। टाल मटोल वाली बात मत कर, जाना बात करना। जब माता जी का भक्त हाँ कहेगा ना, तभी मैं जमुना बहन से डाले की बात करूंगी। करना बात करना, पर पहले भक्त। भक्त? सुनो ना, सुनो ना, रास्ता लंबा है और तुम नारी हो सुकोमल सी, रास्ते में अकेले थक जाओगी। भीखा, समझ रही हूँ तेरे इरादे, मेरे रास्ते के बीच मत आना। मैं कहाँ तुम्हारे रास्ते के बीच में आ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी हाथ की रेखाओं के बीच में आ रहा हूँ। मतलब? मतलब जो तुम्हारी हाथों की रेखा है ना, उसके बीच में मैं हूँ। ए भिखड़ा, तुझे अचानक ही हाथ का ध्यान कैसे आया? सच कहूँ, माताजी ने सपने में आकर कहा, तभी से ध्यान में आया, सच कह रहा हूँ। माताजी? हाँ, माताजी ने मुझे सपने में आकर कहा कि तेरी शादी पद्मिनी के साथ होगी और तेरे घर बेटा पैदा होगा। मेरी माँ है ना, वो बैगा से पूछने जा रही है, अगर तुम हाँ कह दोगी ना तो वो बैगा को छोड़कर तेरी बात मान लेगी और शगुन का सामान और श्रीफल लेकर तेरे पिताजी को दे देगी और उसके बाद हम दोनों की शादी। बैगा ने तो एक बार मेरी शादी सोमा के साथ खुद करवाई थी। अरे सोमा तो नास्तिक है, उसमें बैगा क्या करेगा है? अरे जब हम दोनों राजी हो जाए तो, अरे मियाँ बीबी राजी तो झक मारेगा काजी। नालायक,
मुझे अकेली दे के हाथ पकड़ने लगा। पर मैं अकेली नहीं, मेरे साथ है ऊपर वाला। पराई बहु बेटियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे क्या पता था कि ऊपर वाला ये। नास्तिक लोगों को कैसे बुलाओ, देवी को मानते ही नहीं, अब माँ ही देखेगी। ओहो, खुद खीर खाता नहीं और मुझे खाने नहीं देता। अबे तुझे शहनाई नहीं बजानी है तो मुझे तो बजाने दे। सामान संभाल भी खा। मैं भी तेरी जैसी ही हूँ, गरीब की बेटी। भगवान जब सुख बांट रहा होगा तब रह गई होगी एक स्त्री, नहीं तो मुसीबत, दुख, चिंता, निंदा जैसे शब्द सिर्फ नारी के लिए नहीं होते। माँ, ऐसी परीक्षा, क्या मेरा नसीब लिखते लिखते विधाता की स्याही खत्म हो गई थी कि मेरे कर्म का कागज कोहरा ही रह गया? पर ठीक है, पहुंचाती जा आघात, बरसाती जा वज्रघात, देती जा दुख, पर फिर भी मैं नहीं रोऊंगी, अंत में तू ही रोएगी। अरे बहू तू कहाँ चली गई? खाना बन गया? मेरा सामान लाई? अरे पूछ रही हूँ कहाँ मर गई? अब माँ मैं यही हूँ। ओहो, अभी तक गाय को नींद लाया? अरे कहती हूँ बस तू सिर्फ बच्चे का ध्यान रखा कर। ये दिन देखने के लिए आपके लिए मैंने क्या नहीं किया? आहा, तो मेरे पर उपकार किया क्या? अरे सुन, घर साफ कर ले, पानी भर लेना, फिर कोई और काम कर लेना। हाँ, और हाँ, फिर मेरे पाँव दबा देना और फिर सुबह जल्दी उठना। किस तरह की बहू मिली है? कांता, ए कांता, क्या है गोमती? कांता मेरे साथ चलती है क्या? कहाँ? बैरागी के पास। बैरागी के पास? हाँ, मेरे भिका की दूसरी शादी के बारे में पूछना है, तुझे भी सोमा के लिए पूछना है, तो चल। हाँ चल ना। माँ मैं भी आऊँ? हाँ चलो। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, जय महाकाली, जय भद्रकाली, ओम ओम जय महाकाली। मेरा काम माँ का हुक्म सुनना और उसे पूरा करना। पर तुझे क्या दुख है ए बैगा? ए ले, मेरी माँ आए ना तो तुझे सिर्फ सिर हिलाना है और हाँ कह देनी है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो माँ की भभूत उड़ाता हूँ और सिर्फ माँ का हुक्म सुनता हूँ। ऐसा उल्टा काम करूँगा तो माँ भस्म कर देगी। तो फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ कर तेरा ही शरीर भस्म करवाता हूँ। अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे बैगा का कोई अस्तित्व है? भगवान से प्रार्थना करके बाधा दूर करते हैं तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, ऐसा झूठा काम नहीं कर सकता। ऐसा बोलने वाला कलयुग में तू अकेला ही है। अरे लिए बिना कोई काम करता है क्या? और लेके काम करेगा तो काम पक्का होगा। मेरी माँ है और पूछे कि बेटा कैसे होगा, तो तुझे कहना है कि दूसरी शादी करके होगा। और मेरी माँ तुझसे पूछे कि शादी किसके साथ, तो तुझे कहना डॉली के साथ। समझ गया? तो ये ले। लगता मेरी माँ आ गई और साथ में औरतें भी है। मुझे अब जाना होगा। किसे जाना होगा? अरे इसे नहीं, मुझे। बेगा भाई प्रणाम, कुछ सवाल पूछने हैं। पूछो पूछो। मेरे भीके को बेटा नहीं है। तो करवा दो दूसरी शादी, जो उसका हुक्म है वही सुनता हूँ। किसका हुक्म? चंडी, जय माँ काली। मेरा बेटा दूसरी शादी करेगा तो बेटा होगा? जैसी माँ की इच्छा। बेगा भाई मेरी बेटी की शादी किससे? डाली भाई के साथ करो। देखा कांता बहन, उसी का नाम रेवा। तूने सुना, सोमा और भीका अगर दूसरी शादी कर ले तो घर में बेटा होगा, पर डाली शादी के लिए राजी होगी? हाँ। डाली के बेटा होगा? हाँ। सोमा शादी के लिए राजी होगा? हाँ। उसे दूसरी से लड़का होगा? हाँ। अब तो सिखाया हुआ बोल रहे हैं ना? सिखाया हुआ। सिखाया हुआ? माता का हुक्म। अब जाओ तुम लोग। हाँ। माँ, हाँ? कहाँ गए थे तुम लोग? बैरागी के पास, पूछ रेवा से बैरागी ने क्या कहा। क्यों माँ, तुम तो जानती हो मैं ये सब नहीं मानता, पर बोलो
तुम्हारी माता के आशीष का व्यापार करने वाला बैगा क्या बोला? क्यों कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, बैरागी ने बबूत और माता का आदेश सुनाया कि सोमा भाई दूसरी शादी करेगा तो ही बेटा होगा। अरे माँ, दूसरे के तेल से दिया जला के उजाला क्यों करना? रेवा के रहते दूसरी शादी करके मुझे अपना 3 जन्म नहीं बिगाड़ना है। रेवा, खबरदार जो माता के मंदिर या बुआ के पास गई तो, समझी? ऐसे माताजी के आदेश का निरादर करके बाहर चले जाएंगे तो माताजी का अपमान होगा, सुनो ना। मैं जिंदगी भर सुनता ही आया हूँ रेवा, तुम्हारे लिए। तुझे रेवा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। हकीकत है तो रेवा है, और हवा में बात करना श्रद्धा की पूछ पकड़ना है। किसी पता मेरे सोमा पर तूने क्या जादू किया है? माँ, मैं क्या करूँ? क्यों, यमुना ने भिका के लिए कहा वो सुनी नहीं? अगर सोमा का भला चाहती है तो जाके कुएं में कूद, और अगर सीधे सीधे नहीं मानी ना तो खाने में जहर दे दूंगी, तुझे नहीं अपने सोमा को। माँ, फिर तू कहती रहना बेटा तो पैदा नहीं कर सकी तो सास ने अपने बेटे को मार दिया। अगर तुझे सोमा को जिंदा देखना है तो कहती हूँ कि तू अपना मुँह काला कर और सती होके चढ़ जा चिता पर। यमुना भाई, ओ यमुना भाई, आओ आओ। यमुना बहन, ये लो 1.25 रुपया और श्रीफल। क्यों, घर में बेटा पैदा हुआ? ना ना, ये तो दूसरी बात है। हाँ। तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, ना मत कहना। इस उम्र में मेरे लिए रिश्ता? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी डाली के लिए, मेरे भीके के लिए मांगने आई हूँ। गोमती, डाली से तो मुझे पूछना पड़ेगा, तुम ऐसे ही मांग करोगी? ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ, मैं बैगे से पूछ कर आ रही हूँ। माता का हुक्म है कि भीका से शादी करेगी तो राज करेगी राज। ये डाली किसी बीजवर से शादी नहीं करेगी, वो भीखालाल तो मेरे लिए काका जैसा है। अरे चुप कर, सास की थोड़ी तो इज्जत कर। और बैगे का कहना है कि सोमा भी अगर रेवा को छोड़ के दूसरी शादी करेगा तो माँ उसे बेटा देगी बेटा, और तू राज करेगी राज। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? तुम्हारी बात मैं ना मानूं? बोलो रेवा, क्या बात है? तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? रेवा, तुम उससे नाराज हो या ममता के लिए तुम ऐसा कह रही हो? ना, पर माँ के बैगे ने ऐसा कहा है कि। नहीं सुननी ऐसे अंधविश्वास की बात। वंश के मोह में अपने दिल की रानी को छोड़ने की बात मैं नहीं मानता। अरे ऐसे स्वर्ग के लिए तो सारी आशाएं छोड़ सकता हूँ। मुझे श्रद्धा है कि माताजी तुम्हारी वंशवेल। देखो रेवा, अपनी माताजी से जाके कहना कि सोमा को संतान नहीं सिर्फ प्यार चाहिए, और वो भी रेवा का। पर मेरी बात तो सुनिए। देखो रेवा, आज के बाद अंबा माँ और मेरी माँ की बात नहीं करना, भले ही खानदान निर्वंश रह जाए, समझी? अब सोने दो। ध्यान मत देना माँ, जो तुम्हारा प्रकोप हुआ तो ये घर खेत सब बर्बाद हो जाएंगे, इस सब का कारण मैं ही हूँ। माँ मैं क्या करूँ? इसका एक ही रास्ता है। राजश्री, माँ जगदम्बा, मैं जानती हूँ कि आत्महत्या करने वालों पर तो क्रोधित होती है, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सोमा दूसरी शादी नहीं करेगा। माँ,
बैगा की दी हुई आज्ञा का अनादर कैसे हो सकता है? तुझे क्रोधित करूं तो सोमा के घर का नुकसान होगा। माँ, मुझे अपनी गोद में समा लेना, आशीर्वाद देना मुझे। जय जगदम्बे, जय शक्ति, जय अम्बे। रेवा, ये तुमने क्यों किया? रेवा, तुम? नहीं रेवा, ये तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने? तो और क्या करती? नहीं रेवा, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बिना मैं जीते जी मर जाऊंगा। रेवा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए मान प्यार है ना? हाँ नाथ, अपरंपार। रेवा, कसम खा कि अब ऐसा कभी नहीं करोगी। वचन दो। तुम भी मुझे एक वचन दो। हाँ, मैं वचन देता हूँ। तो मैं भी वचन देती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि मरने का विचार भी मन में आए। बस अब मेरा वचन। बोलो रेवा, बोलो, क्या करना है? दूसरी शादी। दूसरी शादी? माँ करके सुबह सुबह अब शुगन क्यों कर रही है? माँ, मैंने उन्हें दूसरी शादी के लिए मना लिया और वचन भी लिया है। क्या बात कर रही है? मैं तो पहले से ही कहती थी कि रेवा समझदार है। अरे, इंसान पहचानने में मैं भूल ही नहीं कर सकती। पर रेवा, हम रिश्ता लेके जाएंगे कहाँ? माँ, वो भी मैंने खोज लिया है। इसे कहते हैं बहू। मैं तो जानती थी कि तू ही रास्ता निकालेगी। रेवा, पर तू मानती है ना कि ये सब शक्ति माँ की इच्छा से ही हो रहा है? हाँ माँ, भला हो गोमती बहन का कि भीखा भाई के साथ हमारे बारे में भी पूछ लिया। हाँ, जय माँ गब्बर वाली। डाली, इस दुनिया में गुलाल को गेरू करने वाले कई पड़े हैं। अरे काना, ये तू क्या कह रहा है? अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि दूध के पतीले में चमचे बहुत होते हैं। अरे रहने दे, वो भीखला भले ही भीख मांगे, उसकी जोड़ी तो खाली ही रहने वाली है। हम तो शादी कर लेंगे। अरे मेरे मन के मोर, मैं तो तेरी मोरनी हूँ। तू मेरी कलम और मैं तेरी कहानी हूँ। तू गिलास है और मैं पानी हूँ। डाली, तुझे शर्म आनी चाहिए पराए के साथ प्रेम लीला करते हुए। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, हमारे पीछे पीछे आते और देखते। लो देख लो, चोर सिपाही से कह रहा है कि तुझे पकड़ना है। डाली डाली, तू तो मेरी पत्नी बनने वाली है, तेरे साथ मेरी शादी होने वाली है, और तू ये क्या कर रही है, वो भी दुश्मन के साथ? मेरी बात सुन, डाली मेरी थी, मेरी है और रहेगी, मुझसे ही शादी करेगी, और ये कोई गरीब की गाय नहीं कि जो चाहे ले जाए। और ए, तू दुश्मन किसे बोल रहा है रे? तो क्या तुझे दोस्त कहूँ? डाली, मार दो चार थप्पड़। अरे काना, देख क्या रहा है, हो जाए दो दो हाथ। अरे गिन गिन कर मैंने भी ब्याज के साथ तेरी पुंगी नहीं बजाई तो मेरा नाम भिका मारवाड़ी नहीं। डाली, ये काना तेरे लायक नहीं है,
अरे जोड़ी तो तेरी और मेरी जमेगी। अरे क्या हाथ है तेरा, सिंदूर है सिंदूर सिंदूर। अरे नहीं है तो खून है मेरा, खून है मेरा, खून है। अरे गिन गिन कर तेरी पुंगी नहीं बजाई तो मुझे बोलना। अरे रेवा गौरी, कैसे आना हुआ? मेरा हाल देखने या जले पर नमक छिड़कने? दूसरे का घर तोड़ के खुद का महल बनाने वाली तू? महल? अरे मेरा महल तो कागज का है, और इतने बना हुआ महल कितने दिन तक टिकेगा? गुस्सा छोड़ दो, सोमा की बात करने आई हूँ। सेवा पूरी नहीं हुई कि फिर से वही बात दोहराने आई हो? पर बात को बार बार दोहराने से बात दिमाग में बैठ जाती है। उजाड़ने का खेल मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। उजाड़ने की बात करने नहीं आई, मैं तो आई हूँ किसी को सही स्थान दिलाने। संयोग से सोमा की शादी तुमसे नहीं हुई और वो मुझे मिल गए, और अब मैं खुद चल के तुमसे सोमा का रिश्ता मांगने आई हूँ। रेवा, छूटा हुआ तीर, बोली हुई बात और माना हुआ पति वापस नहीं आता। हो सकता है माँ अम्बा के प्रताप से। इतना बड़ा त्याग करने का वैराग्य कहाँ से जागा? मैं माँ नहीं बन सकती इसलिए। पर माँ के बैगा ने कहा कि... माता की बैगा ने मुझसे भी कहा था कि तेरी शादी सोमा से होगी। सच हुआ ना माँ का हुकुम? बैगा ने कहा कि सोमा दूसरी शादी करेगा तभी संतान का सुख मिलेगा। पर उस घर में राज तो तेरा ही चलता रहेगा, तो क्या तुम मुझे बच्चा पैदा करने के लिए मांग रही हो? पद्मा, सोमा से शादी नहीं हुई इसलिए तूने अब तक शादी नहीं की, फिर भी तू मुझे ना कह रही है? एक म्यान में दो तलवार रहे, ये कभी सुना है? मैं झोली फैलाती हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटा। एक शर्त पर। बोल बोल पद्मा, मुझे सब शर्त मंजूर है। जिस वक्त मैं उस घर में कदम रखूं, उसी वक्त तू उस घर को छोड़ देगी। चांद और सूरज एक साथ आकाश में नहीं चमकते, बोल है मंजूर? हाँ मंजूर है। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि रेवा ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।
आप जाओ बाहर तो मैं अंदर से बंद कर लूं। पद्मा, तुम रेवा को समझ नहीं पाओगी। अपार प्रेम होते हुए भी दिल पे पत्थर रख के उसने मुझे तुम्हें सौंपा है। मेरे प्रति जो प्रेम है उस पर रेवा पानी फेर गई ऐसा लगता है। तुम्हारे प्रेम में है मात्र स्वार्थ, पर उसके प्रेम में है त्याग। तुम देखती हो सिर्फ अपना सुख और वो देखती है सबका सुख। हाँ, मतलब रेवा ने तुम्हारे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है ऐसा लगता है। नहीं, उसने दिखाया है प्रेम का शुद्ध स्वरूप। पद्मा, स्त्री के पिछले जन्म के बारे में तुम्हें नहीं जानता, पर शादी के बाद उसका प्रेम गंगा की पवित्र धारा की तरह बहता है। तुमने मुझसे शादी की है ये भूल मत जाना। क्या सारी रात रेवा की ही बातें करोगे? पद्मा, मैं वास्तविकता को नहीं भूलता। अरे तुम्हारे साथ एक रात तो क्या, अब तो सारी जिंदगी बात करनी है। सोमा, ये जिंदगी जिसकी मैं कब से राह देख रही थी। प्रिया, हमारी प्रीत तो जन्म जन्म की है, इसलिए तो विधाता हमें बार बार मिलाते हैं। विधाता? विधाता जैसा कुछ नहीं। मैं तो इतना जानता हूं कि यह सब रेवा के ही कारण है। इतना लगाव था रेवा के प्रति तो मुझसे शादी ही क्यों की? रेवा से लगाव है इसलिए नहीं, उसका आग्रह था इसलिए, उसकी इच्छा थी इसलिए। चलो सोते हैं। वचन काज पीहु छोड़िया प्रीत करण घर बार नैनों में बरसे बदरी और मन में भरा उल्लास हे सुखी रहना साईबा पीहु सोए है सेज में घर पूरा राजी होए जाना मन माने नहीं उसके चौखट पे अटके पा साजन पगी, जय हाटकेश्वर, जय हाटकेश। नहीं, बचाओ।
अरे सुनती हो, सुनती हो? क्या है? अरे जल्दी बाहर आओ। अरे पगी पानी तो ले आ। क्या हुआ? पगी पानी ला, जल्दी ला। क्या हुआ? इसके ऊपर झट से पानी डाल। पानी डाल। बहन, 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 क्या हुआ तुम्हें? देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी ना? इस समय तो अकेली कहाँ जा रही है? माँ ले जाए वहाँ। तेरे माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए। भाई बहन, भगवान ने दिए ही नहीं। तुम्हारा पति कौन है? पति ने छोड़ दिया है, ससुराल से निकाली गई है। चल रहने दे, तुझे दुख हो वो नहीं पूछूंगी। बस दूसरी कोई पहचान है? तू तो दूसरे के भले के लिए खुद को त्याग कर दे ऐसी लगती है। माँ अम्बा तेरी इच्छा पूरी करेगी, जरूर पूरी करेगी। चल हमारे साथ, चल तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। चल, तू अम्बा के पास जाना चाहती है ना? हाँ। आओ बेटी, चलो हमारे साथ। हमने 9 तीर्थों की यात्रा पूरी कर ली, अब हमें अम्बा जी के पास जाना है। माँ की तू सच्ची भक्त लगती है। आओ बेटी, आओ हमारे साथ, आओ। रेवा, ओ रेवा, पूछ रही हूँ कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? रेवा, ओ रेवा, मेरा पूजा का सामान तैयार किया कि नहीं? ओ रेवा। माँ क्या हुआ जो रेवा के नाम का हल्ला मचा रही हो सवेरे सवेरे? कह रही हूँ कलमुई कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? रेवा अपना फर्ज भूल जाए ऐसी नहीं है, वो पूजा का सामान तैयार कर दी होगी। खुद जाके देख मंदिर में। क्या है? माँ ये कागज कैसा है? ये अक्षर तो रेवा के हैं। क्या लिखा है? आपने पद्मा के साथ माँ बाप की आज्ञा को तोड़कर मुझे अपनाया था और मेरे प्रति मन में अपार प्रेम रखा, पर तुम्हारे चाहने पर भी मुझसे आपके आंगन में झूला नहीं बन सका। माता जी के हुकुम के अनुसार अब घर की सच्ची लक्ष्मी आ गई है, वो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। मैं मेरा वचन निभाऊंगी, आप अपना वचन निभाना। अब तो जब इस आंगन में झूला बंधेगा तभी मैं वापस आऊंगी। तब तक आपके प्यार और सम्मान के लिए माँ से सतत प्रार्थना करती रहूंगी। आप मेरी सेहत की चिंता मत करना, आपको मेरे प्यार की सौगंध है। आप पद्मा को बहुत बहुत प्यार देना। माँ जी को प्रणाम। आपकी रेवा। रेवा। जा बेटी अंदर से पानी लेके आ। तुम्हारे माथे पे ये घाव। अरे उसका बस चलता तो वो मेरी जान ही ले लेती। अरे ये तो सिर्फ खोपड़ी फोड़ी है इसने। किसने? अरे उस डाली ने। तो वो कहाँ है? उसने तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी, मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगी। बहुत अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर डाली राजी हो जाएगी तो गांव में तेरे नाम का ध्वजा चढ़ाऊंगा और अपने नाम का भी ध्वजा चढ़ाऊंगा। तुम्हें उसकी माँ सहन करनी तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं, मैं तो डाली से बदला लूंगी। नहीं 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 नहीं, अरे तुझे मारने की इच्छा है ना तो मुझे मार, मुझे मार। तुझे पता है, तुझे पता है तेरी सास यानी मेरी माँ ने उसकी माँ को 125 रुपए और श्रीफल दिया है। अब उसकी और मेरी शहनाई बजने वाली है। शहनाई? अरे बजाओ बजाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म करो, शर्म करो। 6-6 लड़की के बाप बन चुके हो और फिर भी तुम्हें इस उम्र में घोड़ी चढ़ना है? धिक्कार है तुम्हें। अरे पगली धिक्कार है तुझे। अरे रेवा ने खुद जाकर सोमा की शादी पद्मिनी से करवाई थी और खुद दोनों का फेरा फिरवाया था। तुझे रेवा की तरह सोचना चाहिए और डाली को मना लेना चाहिए और मेरी शहनाई बजवानी चाहिए। ओह मारे, अरे डाली का धक्का, सर पर मारे झटका। अरे जब तुम गंगड़ाई लेती हो ना तो मेरा दिल मचल जाता है। जाओ तुम बिना सवेरे सवेरे क्या। अरे मैं तो क्या पद्मा गौरी,
तुम्हारी अंगड़ाई को देखने के लिए सूरज भी ऊंचा उगाया है। देखो ऐसी उल्टी सीधी बात करोगे तो मैं नहीं उठती। जा। अरे ऐसे कैसे चलेगा। अरे पद्मा गौरी पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है, नहीं तो पद्मा रानी अभी तक सासू के हुक्म से काम पर लगी होती। अन्नपूर्णा चलो हम मेले में चलते हैं। चल रेवा, चल सुदेवी। मुझे तो ओढ़नी ओढ़नी है। अच्छे कपड़े पहनी हो ना, अब ओढ़नी क्यों? नहीं आती, जाओ। सुदेवी ऐसे जिद करोगी तो मार पड़ेगी, चल चुपचाप चल। पहनने दो ना इसे ओढ़नी, कुंवारी कन्या भी तो ओढ़नी पहनती हैं। चल सुदेवी मैं तुझे ओढ़नी पहनाती हूँ, ये तो मेरी लाडली बहन है। चल। चलो रेवा दीदी, मुझे रेवा बहन बहुत पसंद है। उन्हें ओढ़नी पहनने दो, बाद में ही हम मेले जाएंगे। सुदेवी को रेवा से कितने कम समय में लगाव हो गया है, और रेवा जैसे अपनी दूसरी बेटी हो। और कुछ जाना तुमने रेवा के बारे में? जान गई हूँ, सौभाग्य का चांद उसके मस्तक पे है, खानदान के लोगों का सुख इसके आंचल में है, जो खुद जल के दूसरों को रोशनी देना चाहती है। Ah!
पान। लो ना अब। अरे पान क्यों खाना अब? चलो मैं खिलाती हूँ अब। मैंने तुम्हें पान दी थी, उंगली नहीं। अरे तुमने उंगली दी और मैंने पूरा शरीर पकड़ा बस। कड़िया में भर के बहनों के सरिया में लाओ रे, भाई बैठा जाम महल में जाके बहना मिल आरे, चीरो ऊपर चुंदड़ी है दारिया की बात है। ए लड़कियों, ये क्या कटकट लगा रखी है, चलो यहाँ से। तेलपुरी दो ना। ना कहा ना। देवा मासी तो 10 बार तेलपुरी देती थी। जाओ पद्मा तेल पूरी दे दो। तुम अचानक माताजी को कब से मानने लगे? इसमें मानने की बात नहीं है, बरसों से इस घर का रिवाज है। रेवा भी करती थी। रेवा जो करती थी वो रिवाज, और मैं करूं तो नाराज। तो फिर रिवाज के लिए रेवा को ही रखना था ना, मुझे क्यों बुलाया? पद्मा तुमने मुझे अपनाया है सिर्फ औलाद के लिए, बाकी दिल में तो आज भी रेवा ही है। पद्मा शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। पद्मा तुम्हें रेवा को उपकार मानना चाहिए कि तुम्हें मना के ले आई पर छोड़ गई मेरे पास। छोड़ गई तो क्या तुम्हारे सर पर बोझ हूँ? हाँ सर पर बोझ हो। अरे थोड़ा शांत रहो ना। लो बेटी तेल ले लो जल्दी। मतलब तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मैं इस अपमान को सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं तो चली जाऊंगी अपने बाप के घर, अगर गरज हो तो मुझे लेने आना। मेरा बाप तो गाँव का मुखिया है, मुझे तुम्हारी कोई गरज नहीं और मुझे तुम्हारी कोई फिक्र भी नहीं। पद्मा पद्मा बेटी तू क्यों नहीं समझती, ऐसा कोई करता है बेटा? देख मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा ना, चल चल अंदर चल। माँ इससे सर पर मत चढ़ाओ, एक दिन यह हम पर हुक्म चलाएगी, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, फिर पछताना तुम। सज्जनों बुजुर्गों और पंच परमेश्वर को मेरा प्रणाम, मैं आपके पास आया हूँ न्याय मांगने के लिए। न्याय मांगने के लिए तो पंच को बुलवाए। अरे न्याय के लिए तो पंच बैठे हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों से और पंचों से मुझे एक ही बात कहनी है कि मेरे साथ रिश्ता होने के बाद भी वो पराये उसे रिश्ता क्यों रख रही है, क्यों रख रही है? नहीं रखना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। अरे वो काना से प्यार करती है। पर रिश्ता तो बीका ने मांगा था। पर ये तो शादीशुदा है और ऊपर से 6 लड़कियों का बाप है। अरे काना और डाली ने तो दोनों एक दूसरे को शादी का वचन दिया है। मतलब तू अपनी पुंगी बजाए बिना यहाँ बैठ नहीं सकता है क्या? भाई साहब आप लोग को ही मेरा फैसला करना है। क्या हम पंचायत में नहीं है? तुम चुप बैठो, बीका को अपनी बात कहने का हक है। बीका की मांग गलत है मुखिया जी, हिरजी ने दूसरी शादी करके पहले की जिंदगी खराब कर दिया। तू दूसरों की बात मत कर, इस बीका की बात कर। ये पंचायत भीका के लिए बुलवाई गई है। नहीं हो सकता, ये गलत है, गलत है, गलत है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज की पंचायत यही खत्म होती है, अगली बैठक बाद में तय होगी। चलिए अगली बैठक में मिलते हैं। पद्मा, ओ पद्मा, पद्मा, ओ बेटा। माँ, माँ, आप पानी ला रही हो? कोई बात नहीं। कहाँ गई तेरी पत्नी? यही हूँ, इतना हल्ला क्यों मचा रही है? अरे सवेरे सवेरे तुम्हें बुलाना पड़ता है, तुम्हें तो पानी लेने जाना चाहिए था। माँ को इस उम्र में पानी भरना पड़े, ये क्या ठीक है? अरे पानी तो मैं अपने बाप के घर भी नहीं भरी, ये जिसका काम हो वो करे। अरे थोड़ा काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा, और काम करने से तुम्हारी ये कंचन काया घिस नहीं जाएगी, समझी? मतलब तुम मुझे यहाँ काम वाली बना के लाए हो? नहीं, घर की शोभा बढ़ाने के लिए। छोड़ना बेटा, इसके सामने कटकट करने से क्या फायदा? आप भले ही संभल कर बोलो, पर इसी में सच बाहर आता है। तुमने मुझे शोभा की पुतली की तरह देखा है, ना कि धर्म पत्नी की तरह। धर्म पत्नी सुख दुख की साथी होती है, हर हालात में घर को वो संभालने वाली होती है, ना कि तुम्हारे जैसी स्वार्थी होती है। बहू को जो हर वक्त ताने मारते रहोगे तो इस घर में झूला कभी नहीं बंधेगा। रेवा इस घर के खानदान की लक्ष्मी थी और अभी भी है, और वो जो काम करती थी अगर वो तुम्हें करना पड़े ना तो मैं तो सोच कहीं डर जाता हूं। जो बात बात में रेवा का उदाहरण दोगे उसे भुला नहीं पा रहे हो, तो मैं ये चली अपने बाप के घर। अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, देख मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। माँ इसे गलती माननी चाहिए कि नहीं? ये जाती है तो जाने दे, ये जाएगी तो बला टलेगी। बला टलेगी तो सासू माँ बढ़ा लो वंश मेरे बिना। सोमा सोमा उसे रोक, हम क्या कर सकते हैं सोमा, रोक उसे, रोक सोमा। नहीं तू न जाना, न जाना रे महिमा।
रेवा के भजन में भक्ति का सागर उमड़ रहा था और उसमें आप लोगों के मंजीरे की खनकार आवाज के साथ माँ के दर्शन का लाभ मिला। तो चलो जय हटकेश। मैं क्या कह रही हूँ सुनते हो? बोलो। रेवा कहाँ है? माँ दीदी कहाँ गई? रेवा, ओ रेवा, रेवा, रेवा भाई, रेवा को देखे हो? नहीं तो, रेवा कहीं नहीं है। रात को तो गाना गा रही थी। किसे ढूंढ रहे हो आप लोग? हमारी बड़ी बेटी रेवा नहीं मिल रही है। हाँ, रात को एक औरत को उठा के ले जाते देखा है, कहीं वही रेवा तो नहीं थी? हाँ? कल रात में जो भाई पूछ रहे थे वो भी तो रात से गुम है, वही पिंडारा वाले थे। पगी, पगी, तुम तुरंत रेवा के गाँव जाओ और खबर दो। जय महाकाली। मूर्खो, ये तुम किसे उठा के ले आए? रानी बहन, ये तो माँ की भक्त है, महाकाली खुश हो जाएगी। अरे, पर ये कुवारी नहीं है, शादीशुदा है। जो काम कुवारी से होगा वो शादीशुदा से नहीं होगा। रानी बहन, फिर क्या करें? ये अकेली नहीं चलेगी, लेकिन इसे पति के साथ बलि चढ़ाएंगे तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। नाना, मैं कुंवारी हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी बलि दो। मैं कुंवारी हूँ। सुना रानी माँ? हाँ सुना। तू कुंवारी है ना? इस कुंवारे के संग तेरी शादी करा दे तो तुझे पसंद है ना? एक बार जैसे पति। छोकरी, तू बहुत चालाक है पर पकड़ी गई। मूर्ख, जाओ जल्दी जाओ और इसके पति को ढूंढ के लाओ। जाओ, तब तक इसे कैद में रखो। पर इसके पति को ढूंढेंगे कहाँ? वही उसे खुद ढूंढा आएगा। महाकाली, तेरा खप्पर भरेगा। बेगा, बेगा। क्या हुआ? ये तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? क्या हुआ मेरे बेटे को? मैं पास से गुजर रहा था, ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला। ये कहीं माँ का प्रकोप तो नहीं है ना? पक्का। मैं बीका की बात में आके गलत काम किया, पक्का ये उसी का परिणाम है, उसी का। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बीका के पैसों की लालच में आकर गलत सलत जवाब दिया, माँ मुझे माफ कर दो, ये उसी का पाप है। मुखिया जी, ये लो और पूछो इससे कि माँ की आड़ में झूठ बोलने को इसे किसने कहा था? झूठ मतलब? बेगा, क्या बात है? पापा, ये बीका के पैसे वापस ले लो, मैं झूठ बोला,
माँ नाराज हो गई और मेरा बेटा। मैं पद्मा से शादी करूंगा तो मुझे बेटा होगा, ऐसा तूने झूठ कहा? हाँ, मैं झूठ नहीं कहना चाहता था, पर मुझे भीखा ने कहा सोमा की माँ और मेरी माँ आएगी तो उन दोनों से ये कहना कि दूसरी शादी करने से बेटा होगा। तेरे जैसे झूठे सोमा भाई, सोमा भाई इसका गला छोड़ दो इसको। सुन लिए, अब समझे? पैगा की झूठी बात मान के मेरी रेवा ने इतना बड़ा बलिदान दिया, मैं उस भीखा की जीवन के दिए में दूसरे के घर का तेल नहीं पड़ने दूंगा। अरे जिंदगी में यही करना बाकी रह गया था, वो तुम्हारा भगवान और तुम्हारे भगवान की आरती। मैं कहता हूँ ये सब झूठ है। भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सोमा भाई, गुस्सा करने से क्या होगा? नहीं नहीं नहीं। मुखिया जी, मुखिया जी, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? मैं यात्रा में निकले नागर कुटुंब का पगी हूँ। आपके गांव की रेवा को भी हम यात्रा में अपने साथ ले गए थे और मालिक ने कहलवाया है। क्या कहलवाया है? कहाँ है मेरी रेवा? उन्होंने कहलवाया है रेवा को पिंडारा वाले लोग उठा ले गए हैं। क्या कहा? मेरी रेवा को पिंडारा वाला उठा कर ले गए? तुम सब मिलकर मेरी रेवा को जानकी बना दिए। राज्य अभिषेक के दिन ही बनवास, इस राम की सीता को रावण उठा ले गया। अरे रेवा, तुम्हारी भक्ति और अंधश्रद्धा को मैंने कभी नहीं माना। चलो भाई। सोमा भाई, कहाँ जा रहे हो? पिंडारा वालों का सामना करने। जब तक मैं रेवा को वापस नहीं ले आऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मुखिया जी, मैं प्रण लेता हूं कि जब तक रेवा को वापस नहीं ले आता घर में मैं पैर नहीं रखूंगा। चलो भाई। चलो। डिंग डिंग चक्का डंग डिंग डिंग चक्का डिंग 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 चक्का डिंग 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 चक्का डिंग डिंग। क्यों, आज ऐसा क्या खास है जो तुम्हें ऐसा दौरा पड़ रहा है? अरे कैसी औरत है, कुछ समझती ही नहीं। अरे दिखता नहीं है तुझे मैं नगाड़ा बजा रहा हूँ? डिंग डिंग चक्का डिंग 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 चक्का डिंग 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 चक्का डिंग 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 चक्का डिंग डिंग चक्का डिंग 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 डिंग। तो कोई घोड़ा नहीं चढ़ता, हाँ एक गधा पागल हो गया लगता है। क्या तूने मुझे गधा कहा? मेरे सिवा कौन कह सकते हैं? क्या बात है। अरे समझे नहीं, वो घोड़ा थोड़ा सा घास खाता है पर काम कितना करता है, और गधे को मार भी सकते हैं पर तुम्हें मार भी नहीं सकते। अरे कुछ बोल भी नहीं सकते, पर ये तो बताओ आखिर है क्या? क्यों, मेरी दूसरी शादी की तैयारी? अरे देखती नहीं ये घर और मैं कितना छैल छबीला और रंग रंगीला बन गए हैं। दूसरी शादी की तैयारी? डाली ने हाँ कर दिया, वो तो ना कहती थी ना। अरे अपने में कहावत है ना कि एक लड़की और दूसरी गाय, दोनों को जहाँ चाहो बांध दो। और ये डाली गरीब की बेटी है कि नहीं है? और जब मैं राजी तो भले ही छोकरी हो आगे पाछी है, और फिर किसकी मौत आई है कि बैगी के बोले हुए बात को टाले। तुझे भी मेरी शादी में आना है, डॉली को बढ़िया सी साड़ी पहना के तैयार करना, धूमधाम से शादी करवानी है। पिछले बार की सारी कसर इस बार हमें निकालनी है। तुम निकालते रहो अपनी कसर। अरे तुम्हारी बारात में आने वाला है कौन ये तो पूछो, तुम जानो तुम्हारी बहू और करना जो करना है। मुखिया जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप तो जानते थे फिर भी आपने ऐसा किया। चलो, विधि के लेख में कौन सही गलत कर सकता है। जय अंबे। जय अंबे। बाबूजी, पंडित जी गए? हाँ, तेरी ही बात कर रहे थे। मेरी क्या बात करेंगे, अरे मैं तो सासू जी से कह के आई हूँ कि सासू जी मैं तो जा रही हूँ अपने पिताजी के घर, अब मेरे बिना बढ़ाना वंश और संभालना कुल के दीपक को, मैं भी मुखिया की बेटी हूँ। हाँ बस बेटी, बस कर, ऐसा मत बोल, तू कुछ नहीं जानती। बाबूजी, आप ऐसे उदास क्यों हो गए, बात क्या है बोलो, मुझसे कहो क्या हुआ है। बेटा तुझसे क्या कहूँ, तुझसे सुना नहीं जाएगा। बेटा मैं तो तेरी खुशी देख के चुप रहा। पद्मा मेरी बेटी, तुझे जन्म से ही सर्प दोष है। मुझे क्या है, ये क्या है? सर्प दोष, काल सर्प दोष, ये बहुत बड़ा दोष है। बेटी तुझे कभी संतान नहीं हो सकती, तेरी गोद नहीं भर सकती। क्या क्या कहा पद्मा? बेटी पद्मा,
तेरा जन्म हुआ फिर मुझे पता चला कि तेरी गोद कभी नहीं भरेगी। बाबूजी, बाबूजी आपने उसे पहले क्यों नहीं कहा? मेरा अभिमान चकनाचूर हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, रेवा को, सासू को या खुद अपने आप को? बेटी, मैं बूढ़ा बाप, सामाजिक दामाद मिले तो चैन मिले, इसलिए कुछ नहीं बोला। बेटी, मेरी बात सुन, सोमा गया है पिंडारा वालों के साथ लड़ने, तेरी सास अकेली है। बेटी, शादी के बाद लड़की का घर या तो ससुराल होता है या फिर शमशान। बेटी, मेरी बात मान, तू ससुराल में संतान सुख तो नहीं दे पाएगी, बहू का सुख तो दे दे, कोई कसर न रह जाए। बेटी, कोई कसर न रह जाए। बाबूजी, बिना पत्तों का वृक्ष और बांझ का क्या मान, जाऊंगी, उनके खानदान की वंश बेल तो नहीं बढ़ा सकती, परंतु पूरे मन से उनकी सेवा करूंगी। बाबूजी, आपकी बेटी हूं ना, आपका नाम खराब नहीं करूंगी बाबूजी। माँ, सोमा भाई भी गए? हाँ बेटा, रेवा गई, पद्मा गई और सोमा भी गया। समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि इस घर में क्या हो रहा है। जब आसमानी फट जाए तो क्या करें? हे भगवान, तू किस पाप की सजा दे रहा है? माँ, ऐसे हिम्मत मत हारो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तू सब ठीक हो जाएगा कहती है बेटी, किसी के अपने एक एक करके उसे छोड़कर चले जाए तो इंसान का मन आखिर कैसे मानेगा बेटी। हाँ बेटा। माँ, पद्मा, पद्मा बेटी, मैं वापस आ गई हूँ, आपसे एक बात कहना। मुझे कुछ नहीं सुनना है बेटी, कुछ नहीं सुनना है। बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। पर माँ, बाबूजी कह रहे थे कि। मुझे पता है। क्या आपको सब पता है? हाँ, मुखिया की बेटी लाड़ प्यार से पली बड़ी है, उसे कुछ नहीं कहना चाहिए ना। पर माँ, बात वो नहीं है, बात ऐसी है कि मुझे। मुझे कुछ नहीं सुनना पद्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मेरे घर की लक्ष्मी है, इतना ही बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तू मेरे पास वापस आ गई, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? पर माँ, आप जरा मेरी बात तो सुनो, मुझे एक बात साफ करनी है, नहीं तो आप मुझे धिक्कारोगी, मुझसे नफरत करोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना बेटी, कुछ नहीं सुनना। बेटी, भाभी से कह दे कि। हाँ भाभी, माँ को और कुछ नहीं चाहिए, आप आ गई, बस सब ठीक है। माँ, भाभी वापस आ गई, अब भाई भी वापस आ जाएंगे, मेरा मन कहता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर माँ। फिर बोली, सुन बेटा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है बस। माँ। रात को आराम करके सुबह निकल जाएंगे। अरे आराम क्यों, रेवा को कुछ हो गया तो? क्या तकलीफ है भाई? इनकी घर वाली को पिंडारा वाले उठाकर ले गए। हमें पिंडारा के ठिकाने तक पहुंचना है। रात में आराम कर लो, सुबह चले जाना, रास्ता मैं बता दूंगा, उनकी गुफा उस दिशा में है। चलो आराम करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, चलो। क्या काका, किसे आराम करने को कह रहे थे? उसकी घरवाली को पिंडारा वाला उठाकर ले गए। क्या बात कर रहे हो, पिंडारा वाले उठा के ले गए? वो उनकी घरवाली थी? हाँ, पिंडारा वाले भी बड़े नालायक हैं। मुझसे कहा काका? ना ना, पिंडारा वालों को। अच्छा एक बात बताओ, वो कब निकलने वाले हैं? सवेरे निकलेंगे, आराम करेंगे कि नहीं? हाय माँ। बस इतनी सी आवाज से डर गई? हाँ भाई, डर तो जरूर गई, पर तू? मुझे लगा कि ये फटाका मेरे जीवन में आग लगाने वाला है,
तो सोचा धमाका कराऊं। पर ये बता, तू किसकी राह देख रही है? अरे मैं किसी की भी राह देखूं? इससे तुझे क्या? वाह वाह, तू मेरे पति को गधे पे चढ़ा रही है और फिर कहती है तुम्हें क्या करना है। याद रखना डाली, आज के बाद अगर तुझे हाँ कही ना तो तुझे देख लूंगी। हाँ, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के तू मुझे डरा रही है? इससे पहले अपने पति को ही अपनी शराब पर नचाऊंगी, यही ना? पर ऐसा करना भी ठीक नहीं, मैं तो यहाँ अपने काना की राह देख रही हूँ और काका जैसे भिखालाल से तो भागती फिरती हूँ। सच तू दिल से कह रही है डाली? हाँ बहन, तो मैं यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही थी? मेरे दिल पर तो लिखा है तो का 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 ना का का। तो इसमें रुकावट क्या है? अगर ऐसा करना चाहती है तो आज के आज ही कर ले, ऐसा कह रही हूँ मैं। पर वो भीखा काका का भ आता है, उसका क्या? उस भीखा के नाक में नकेल डालनी पड़ेगी और वो मैं डालूंगी। उसके बाद तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगी। तुम जैसा कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। कहाँ मैं और कहाँ वो भीखा काका? तुम दोनों अपने गाँव के किनारे जाकर और माता जी को साक्षी रखकर शादी कर लो। उसके बाद मेरा आशीर्वाद लेना, बस तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आगे आगे गोरख जागे। आगे आगे गोरख जागे, पीछे पीछे भीखा काका भागे। वाह काकी वाह, अब तो कान्हा आएगा तभी बात करूंगी। एक बार शादी हो जाए फिर तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी शादी की तैयारी करो, ठीक है? चल चलती हूँ। आना काकी। अरे ले गए तो ये हमारी बलि दे देगा। क्या कह रहे हो तुम लोग? पिंडारा तो नहीं हो? तुम लोगों को क्या चाहिए? कहाँ है मेरी रेवा? अरे हम तो तुम्हें ले जाने आए थे। अरे तो चलो ले चलो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, रेवा का पता लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो चलो चलो। उस औरत का पति। हाजिर करो। रेवा, रेवा, रेवा। कौन हो? किसे बुला रहे हो? रेवा, मैं सोम हूँ, तुम्हारा सोम। मैं आपको नहीं पहचानती, मैंने पहले आपको देखा तक नहीं। और मेरा नाम रेवा नहीं है। रेवा, तुम मेरी पत्नी हो। आपसे कोई भूल हो रही है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। बल्कि मेरा आपसे ना तो कोई रिश्ता है और ना ही कोई संबंध। इस इंसान को कोई भ्रम हुआ है, मेरी इनके साथ शादी नहीं हुई। ये मेरी पत्नी है रेवा। आप भी वैसे ही हैं। कोई सुंदर स्त्री को देखकर सभी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है यही इसका पति है। हो भी सकता है। नहीं भी हो सकता है, लेकिन पता कैसे पता चलेगा? चलो। सुनते हो जी? कौन हो? किसे बुला रही हो? मैं रेवा, आपकी रेवा। रेवा? लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता। आपकी पत्नी रेवा।
तुमसे कुछ भूल हो रही है। मेरी शादी नहीं हुई है। ये क्या कह रहे हैं? ये भी सच कि जवान आदमी को देखकर सभी स्त्रियां उसे अपना पति बनाना चाहती है। तो क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? रेवा, तुझे नहीं पहचानूंगा। अरे तेरे स्पर्श से, तेरी सांस से, तेरे दिल की धड़कन से तुझे पहचानता हूं। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे थे? यही अगर मैं पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? महाकाली की पूजा करके अंधविश्वास के चलते बलि देना चाहते हैं ये लोग। आपकी और मेरी बलि देना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती कि पद्मा का सुहाग मेरे कारण उजड़े। और अभी तो माँ आपके घर में झूला बंधाने वाली है। रेवा, तुम अभी भी वैसे ही भोली और पगली हो। हम दोनों की मौत एक साथ हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा? नाना, ऐसा मत बोलिए। रेवा, यही 32 लक्षण से इसका पति है। ऐसी जोड़ी बलि के लिए कोई और नहीं मिलेगी। जाओ तैयारी करो। माँ, तू तो जन्म देती है, करता तू है, धरता तू ही है। तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। माँ, इन्हें पता नहीं कि माता जी भोग से नहीं, कोक भर के खुश होती हैं। इन्हें सद्बुद्धि दो माँ। ये बेचारे तो ये नहीं समझते कि निर्दोष की जान लेंगे तो पापी हो जाते हैं। इन्हें माफ करके ज्ञान देना माँ। हे कृपा 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 त्रिशूल वाली की, गौचर वाली की, हे भद्रकाली की, हे कृपा 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 रे, हे कृपा 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 त्रिशूल वाली की, गौचर वाली की, हे भद्रकाली की, हे कृपा 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 रे, हे त्रिशूल तुधारी हाथ हजारी कटिय प्रहारो चितारा, महिषासुर मारा रक्त अधोरा करत कगारा नौतारा, पिंगल गुण प्यारा अबीर अजाला राग रागिनी रखवाली, चमुंडा चंडी ध्वजा प्रचंडी असुर निखंडी अवतारी रे देवी, असुर निखंडी अवतारी रे देवी, असुर निखंडी अवतारी। माँ पावा के गढ़ से आई माँ काली कराड़ वाली, माँ पावा के गढ़ से आई माँ काली कराड़ वाली, आई दक्षिण के पर्वत डोलाई, आई दक्षिण के पर्वत डोलाई, झुमुर झुमो हे झुमुर झुमो। मका सैकड़ों स्वरूप कौन परखे, हे प्राणी पापी का पल में तू हर ले, मका सैकड़ों स्वरूप कौन परखे, हे प्राणी पापी का पल में तू हर ले। मैंने सत की है ज्योत रे जलाई, माँ पावा के
धरा हाथ में खड़क धार वाला, तुझे घट घट में नम पे निहारूं, हे तुझे छप्पन रे भोग आ चढ़ाऊं। काकी, अपनी बेटी डॉली की जिंदगी खराब मत करो। इसलिए तो कहती हूँ मेरे भीखा के साथ। ना ना ना, अरे आप तो उसका भाव बिगाड़ रहे हो। काकी, आपकी बेटी डॉली तो कान्हा से सच्चे मन से प्यार करती है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसलिए तो कहती हूँ मेरे भीखा के साथ शादी कर दो। अरे नहीं, अरे आप जो अपनी बेटी की शादी भीखा के साथ करोगे ना, तो डॉली आप उस कान्हा की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। उसके दिल की हाय मत लो। लो बोलो, पगली ससुराल जा रही है और बुढ़िया खीर बना रही है। मुझे पागल कह रहे हो? पद्मा बहन, रेवा को हटा के तुमने दूसरी शादी की तो कुछ नहीं, और डाली की बात आई तो भेदभाव। मैं देखता हूँ कि डाली की शादी कैसे करते हो। गोमती जी, आप इसकी बात में मत आना। अरे तुम्हारे आड़े रेवा आई तो हटा दी, और दूसरे की बारी आई तो अड़ंगा। मेरे नसीब में दूसरी पत्नी है और वो राज करेगी, समझी? अरे भाई रुको रुको। अरे भाई किस तरफ जा रहे हो, हमें साथ ले चलोगे? हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। यात्रा में? आप किस देवी को मानते हैं? मैं तो किसी देवी को नहीं मानता, मेरी देवी तो मेरी घरवाली है। बहुत खराब है आप, नहीं बिठाऊंगी, जाओ चलाओ ना गाड़ी। सुदेवी, तुम जागते हुए सपना देख रही हो? बेचारी रेवा का क्या हुआ होगा, अपना पगी भी वापस नहीं आया। माँ मैं सच कह रही हूँ, पगी भी है और रेवा बहन भी है। सच कह रही हो? गाड़ी रोक दो। रेवा, बेटा रेवा। रेवा, मेरी बेटी। गाड़ी रोक दी, तुम इन्हें पहचानती हो? कौन है ये? घर छोड़ा तब लुटेरों से इन्होंने ही मुझे बचाया था,
ये भक्तों का कुटुंब है, माँ के 9 तीर्थों की यात्रा पर निकले हैं। माँ माँ, ये नास्तिक कौन है? नास्तिक नहीं, इनकी देवी तो तेरी बहन रेवा सुदेवी, और ये तेरे जीजा जी। भाई आपका नसीब अच्छा है जो आपको रेवा जैसी पत्नी मिली। क्या बात है पगी? मैं समाचार देने गया तो सुनकर सोमा भाई तुरंत निकल पड़े। रास्ते में गुंडों ने हमला किया, फिर अब उनके साथ गए, वो इनकी बलि देना चाहते थे। वहीं चमत्कार हुआ, माँ अम्बा ने आकर बचा लिया। चलो ये तो अम्बे माँ की मेहर अपार है। अरे पगी, इनके घर वाले फिक्र करते होंगे। पगी तुम जाओ और इन्हें खबर दे दो कि रेवा बहन और जमाई दोनों ठीक हैं। इसी घड़ी जाता हूँ। आपका नाम क्या है? सोमा। माँ अपना श्रीफल। कैसा श्रीफल है? तेरी इच्छा पूर्ति के लिए मन्नत मांगी है, नवी माता अम्बा के द्वार पर चढ़ाएंगे तो उसे दामाद के घर झूला बंधेगा। 7 यात्रा तो पूरी हुई, अब 8वीं अम्बाजी के द्वार जाएंगे। चलो। कान्हा, आज हमारे मन की इच्छा पूरी हुई। हे माता जी, हमारी लाज रखना। माँ तो हमेशा सबकी लाज रखती है। डाली, हमारे मन में एक दूसरे के लिए ऐसे ही प्यार बना रहे, यही माँ से मांगता हूँ जन्मों जन्म तक। कान्हा! अरे कान्हा कान्हा, तेरा मुंह काला हो। अरे तूने अपनी शहनाई बजाई कि मेरी पुंगी बजाई? अरे काका, अब तो आशीर्वाद दे दो। माता जी तुम्हारी पुंगी बजाए। धरी
प्यास बुझाए आंसू से और चले सदा ही जाना मे मेरी बात मानिए और घर लौट जाइए। तुम्हें अकेली छोड़कर? बिल्कुल नहीं। अरे ये सब है ना, अगर आप मुझे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो घर लौट जाइए। अपने घर झूला बंधेगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं रेवा, तुम्हें छोड़कर मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप इसकी बात मानो। आप जाओ, आपके घर में संतान हुई ये खबर मिलते ही हम खुद छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेवा कभी वापस नहीं आएगी? माँ आपको कभी निराश नहीं करेगी, आपकी वंशवेल फलेगी भी और फूलेगी भी। पर रेवा, पद्मा तो माँ के साथ है। हा? क्यों जिद कर रहे हो? हम नौवें धाम में पहुँचेंगे तो तुम्हारे घर जरूर झूला बंधेगा और हम ही रेवा को छोड़ देंगे। जाओ। आप जाइए, आपको मेरी कसम, अम्बा माँ की कसम। अम्बा माँ, रेवा मैं जाऊंगा पर तुम्हारे कहने पर, लेकिन अम्बा माँ, माँ कहलवाती है तू अपने आप को और अपनी ही संतान को सुख से वंचित रखती है। अरे मेरी रेवा की भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो तू उसे इतनी तकलीफ दे रही है? नहीं मानूंगा, तुझे किस लिए मानूं? अरे मेरी रेवा की गोद भराए उसे बच्चा हो तब तुझे मानूंगा, तब तुझे जानूंगा। ये तो मानव माटी के जो तुझे जगत चन्नी कहते हैं, शक्ति कहते हैं, अरे अगर सच्ची है तो भर इसकी गोद, तो तुझे मानूंगा। रेवा बेटी, अम्बा माँ को ऐसे लड़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ को ऐसे लड़काने वाले बहुत पसंद है, ये तो माँ के लाडले बन जाते हैं। राम राम, घर में कोई है? कौन हो भाई? मैं पगी, कहने आया हूँ कि रेवा बहन और सोमा भाई सही सलामत और कुशल मंगल है, पिंडारा वालों से बच गए हैं। क्या कहा आपने? सुना दोनों कुशल मंगल हैं। भाभी अब तो खुश हो गई ना? पर है कहाँ, कब आएंगे? बस थोड़े ही दिनों में आ जाएंगे। जय राम जी की। आज तो मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं। सुन की कटोरी में
सोने की कटोरी पतीले को संभालती तो उसमें कोई अपनी दही कैसे जमाता? बोलो, बात क्या है? डाली ने अपना मुंह काला किया, आपके भेजे शगुन का रुपया लेके काना के साथ भाग गई। मतलब मेरे पैसे वापस करने पड़े इसलिए रो रही हो? हाँ, पर मेरा नारियल तो मुझे वापस कर दो। मैंने जो तुमको दिया था मीठा पानी वाला नारियल, वो मुझे वापस कर दो। अरे मर गया रे। देखो माता जी, जो करती है अच्छे के लिए करती है। ये आपकी 6 लड़कियां हैं ना, वो आपकी सेवा चाकरी करेगी। अब लड़के और दूसरी का विचार किया तो नाक तोड़ दूंगी। हाँ माँ, आज मैंने इसे पहचाना।
ये तो डाली से भी अच्छी है, उससे भी सुंदर है। अच्छा तो अभी समझ में आई ना? पद्मा, अगर तू वापस नहीं आती ना तो मैं ही तुझे लेने आता। रेवा ने मुझसे कहा कि आपके घर झूला बंधेगा तो मैं वापस आऊंगी। पद्मा, रेवा को वापस लाने में तुम मेरी मदद करोगी ना? अरे ऐसे हैं क्या कर रही हो? बाहर देखो कैसी चांदनी रात है, मौसम को तो देखो, वातावरण में गजब की खुशबू है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तो बस रेवा को जल्दी वापस लाना है। पर तुम मेरी बात तो सुनो। बोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ तुम्हारे होठों को छू के सुनूंगा। पद्मा, बेटी क्या बात है? कुछ नहीं माँ। मेरे सुमा की तरफ से कोई भूल कुछ हुआ? नहीं माँ नहीं, उनकी तरफ से तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिर कोई शुभ समाचार? हाँ, तबीयत ठीक है ना माँ? हमारे घर में चिराग रोशन नहीं होगा। मतलब मेरे सोमा में कोई कमी? नहीं, कमी मुझ में है माँ। मुझे सर्प दोष है, मेरी गोद कभी नहीं भर सकती माँ, मैं बांझ हूँ। क्या क्या कहा? मैं बांझ हूँ माँ। हाँ माँ, मैंने रेवा के साथ अन्याय किया है, उसे वापस बुलाना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपकी आशा के महल को तोड़ दी, मैं आपके घर में झूला नहीं बंधा सकती, मुझसे कुछ कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। ऐसा मत कह पद्मा, ऐसा मत कह। रेवा को घर से निकाल दिया है और तुझे सर्प दोष है, ये मेरा सोमा जानेगा तो उसके दिल को बहुत बड़ा सदमा लगेगा बेटा। वो मेरा लाडला बेटा और तू मेरी मर्जी से आई हुई बहू, अब तो ऊपर वाला जो चाहता है वही होगा बेटा। का माँ,
सोलह जान सोलह तिथि भावे संबत सोलह प्रगटा लेने ने की रे ओम जय ओम जय ओम मां जगदम्बे अंबावती नगरी आय रूपावती नगरी मां रूपावती नगरी सोलह सहस्र जह सोहरे क्षमा करो देवी तो इमली खा रही चल वापस दे मुझे तो खाने से मना कर रही हो और देवा दीदी खा रही है उसको कुछ नहीं कहती आप हाँ क्या कहा तूने रेवा इमली खा रही है हाँ और मिट्टी भी खा रही है हे माँ दी शक्ति तेरी दया अजी अजी सुनते हो क्या है रेवा पेट से है रेवा के पांव भारी है अरे पगी सोमा भाई अरे ओ सोमा भाई अरे आप इस तरफ वो बात ये है कि बस थोड़े दिन में खबर भिजवाऊंगा जैसे ही पद्मा की खुशखबरी आएगी मैं तुरंत खबर करूंगा क्या कह रहे हैं अरे खबर तो मैं लेके आया हूँ रेवा बहन की रेवा की क्या कहा रेवा ने वो ठीक तो है ना ओ हो पूरा बोलने तो दो रेवा बहन के पांव भारी है क्या कहा पगी हाँ? अरे तुमने ऐसी खबर सुनाई कि दिल खुश हो गया कहाँ है रेवा वो तो अंबाजी पहुंच गई है पगी ये लो इनाम रेवा सच तुम्हारी माँ अपनी माँ महान है पर आप किस लिए वापस आ गए पद्मा को मैंने वचन दिया था और आपको भी अब आप जाइए वापस लौट जाइए रेवा तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रही हो अरे ये तो ऐसा समय है रेवा कि मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहिए पर पद्मा को भी आपकी जरूरत है जब समय आएगा मैं लौट आऊंगी आप जाइए आपको मेरी कसम अपनी कसम दोगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा रेवा तुम पे जो दुख टूटा उसे देखकर मैं नास्तिक बन गया था पर तुम्हारी भक्ति के फल को देखकर जो पत्थर पिघलता नहीं था वो भी पिघल गया अगर आप वापस नहीं गए तो आपको माँ अंबा की कसम माँ की कसम ये क्या किया रेवा एक समय था जब मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानता था पर आज मां की कसम को टाल नहीं सकता मैं जाऊंगा जरूर जाऊंगा आज ही जाऊंगा रेवा तुम पद्मा के लिए और हमारे कुटुंब के लिए क्या नहीं कर रही हो आप मेरे देव मेरे भगवान हैं रेवा तू मीरा हो सकती है पर मैं श्याम बेटी खुशखबरी लाया हूँ क्या बाबूजी मेरी दो बेटियां हैं एक रेवा और दूसरी पद्मा जैसे एक रथ के दो पहिए एक सिक्के के दो पहलू पद्मा रेवा के पांव भारी हैं हाँ माता जी की कृपा से ये दिन देखने को मिला है क्या कह रहे हैं मुखिया जी आप सोमा दामाद जी तो अंबा जी गए हैं वो रेवा को लेके ही आएंगे नहीं
रेवा नहीं आएगी। रेवा को जितना मैं जानती हूँ उतना आप नहीं जानते। उसने मुझे वचन दिया है कि जब मेरी गोद भरेगी वो तभी वापस आएगी। वो अपने वचन को जिंदगी भर नहीं तोड़ेगी। माँ, हमें ही जाना पड़ेगा उसके पास। रेवा एक बार आंचल फैलाकर आई थी मेरे पास, आज मुझे भी उसके पास जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। माँ, उसके पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। हाँ। रेवा, मैं जा रहा। माँ, रेवा बेटी, सो माँ, माँ, माँ तुम्हें खुशखबरी दूँ? हमें पता चल गया है, रेवा। रेवा, पद्मा, मुझे तो पता ही था कि रेवा की गोद भरेगी ही। माँ, भाभी कितनी अच्छी है। रेवा बेटी, बधाई हो। बाबूजी, आप उदास क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए। अरे, हमारे खानदान की वंश बेल बढ़ेगी और आपको खुशी नहीं हुई? हाँ बेटी, कहलाता तो हूँ गांव का मुखिया, पर इस घर में तो मैं एक बाप हूँ ना। वर वालों के सामने कन्या वालों का सर तो हमेशा झुका हुआ होता है। बेटी बेटी बेटी, इससे अच्छा तो मैं तुझे कुंवारी रखता तो ही ठीक होता। बाबूजी, अपनी बेटी का सुख देखने का स्वार्थ तो हर माँ बाप में होता है, और रेवा तो मेरी बहन है, इसी के कारण तो मेरी शादी हुई है, तो इसकी संतान मेरी संतान नहीं कहलाएगी? अरे रेवा, तू उदास क्यों है? अरे, ऐसे समय में तो उमंग और उत्साह होना चाहिए। मुझे तो आज बहुत खुशी है। ये तेरे त्याग की जीत है, तेरी भक्ति का फल है। आज तो हमारे कुटुंब के लिए बहुत आनंद भरा दिन है। रेवा, सुख तो दूसरों को सुखी रखने में मिलता है, तूने ही सिखाया था ना, और तू खुद ही उदास है। मैं तुझे लेने आई हूँ, वहां तेरा हक था, है और रहेगा। ना पद्मा, ना, तेरे साथ ही अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, और वो भी मेरे कारण। गोद तेरी भरनी चाहिए थी, पर तू चिंता मत कर, मार्ग सिर्फ अम्बा माँ ही दिखाएगी। रेवा, माँ ने तेरी प्रार्थना सुनी है। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। रेवा, घर चल, उस घर में तेरा ही राज चलेगा। पद्मा, मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। माँ, ये क्या किया तूने? तेरे कहने पर मैं पद्मा को ले आई, और तेरे ही हाथों ये अन्याय। रेवा, वो सब झूठ था। ना जी ना, ये तो वचन भंग, झूठा विश्वास, ये घोर अन्याय। नहीं पद्मा, ऐसा घोर अन्याय मैं नहीं होने दूंगी। नहीं, नहीं। माँ! रेवा, 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 तू जगत जननी है, मेरी हृदय में श्रद्धा और भक्ति की अखंड ज्योत जलाई, और उसी के आश्रय में अपनी संसार की गाड़ी चला रही थी। तेरे कहने से मैंने उनकी शादी पद्मा के साथ करवा दी कि मेरे कुल में दीपक प्रगटे, और उसके बदले में ये माँ, मैंने मांगी थी पद्मा की गोद भर जाए, और तूने मेरी उदर में दिया जला के अपने वचन को भंग के अंधकार में धकेल दिया। माँ, जगत वालों को क्या सीख मिलेगी कि तेरे द्वारे आने वाले भक्त जनों को तूने क्या दिया?
न्याय कि अन्याय? माँ, माँ तूने वरदान दिया था या अभिशाप? रेवा बेटी दरवाजा खोलो बेटी। रेवा बेटी दरवाजा खोलो बेटी। रेवा, रुक जाओ। श्रद्धा की पवित्र धारा में स्नान करके पवित्र बना रेवा का पुण्य संसारियों के स्पर्श से मैला हो जाएगा, पर मैं इतना कहूंगी कि विधि के लेख को देवी देवता भी नहीं मिटा सकते। रेवा की सच्ची भक्ति के प्रताप से तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। रेवा के अंदर विकसित गर्भ रेवा सहित पद्मा के गर्भ में प्रवेश करेगा। श्रद्धा, भक्ति और त्याग से प्राप्त किए इस महापुण्य के फल को ग्रहण करो और सुखी रहो। तथास्तु। पद्मा,